हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, सबसे खूबसूरत फूलों में से एक पैसी फ्लोरा, कृष्ण कमल, राखी फूल, कौरव पांडव या पैशन फ्लावर, मे पॉप भी बोलते हैं इसे। बहुत ही खूबसूरत, कई कलर्स में आता है, लाल, गुलाबी, मैरून, पर्पल, ब्रिंजल कलर। इसका डार्क पर्पल मतलब बैंगनी कलर, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके अलावा ये वाइट कलर में भी आता है। हल्की खुशबू वाले इस खूबसूरत फूल को आप रेलिंग पर लगा सकते हैं, हेज के तौर पर लगा सकते हैं, और इसे सपोर्ट देकर आप वॉल के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं, गेट पर भी लगा सकते हैं। बहुत ही आकर्षक इसका फूल होता है। फूल सूखने के बाद इसमें फ्रूट बनता है जो कि खाने योग्य होता है। रेड कलर का ये पैशन फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, और पॉलिनेटर्स इस पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी हनी बीज इसके ऊपर आकर चक्कर लगा रही हैं और इसका रस चूस रही हैं। वाइन ढेर सारी कलियों और फूलों से भरी है। नेक्स्ट है ये क्लेमेटिस। खुशबूदार और खूबसूरत फूलों वाली यह क्लाइंबर मुझे बहुत पसंद है, और इसे सपोर्ट देना पड़ता है गमले में यदि आप लगा रहे हैं तो। इसके लिए आप ऐसा सॉइल मिक्स बनाएं जिसमें नमी बनी रहे। इसके लिए आप सैंड सॉइल, कंपोस्ट, कोकोपीट, नीम खली का मिक्स बनाकर उसमें इसे लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि गमले में पानी नहीं रुकना चाहिए। क्लेमेटिस फ्लावर वाइन को यदि आप गमले में लगाते हैं तो आपको गमले में ट्रेलिस बनाकर इसे सपोर्ट देना पड़ेगा। इससे ये शेप में भी रहेगी और इसके खूब फूल फूलेंगे और एकदम चादर जैसी ढक जाएगी इसकी वाइन के ऊपर फूलों की। इसके फूलों में बहुत ही प्यारी खुशबू होती है, इसलिए फ्रेंड्स यदि आप खुशबूदार फूलों के शौकीन हैं तो आपके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वाइट के अलावा यह पर्पल, पिंक, रेड, डार्क पिंक जैसे चार पांच शेड्स में और भी आता है। डबल पेटल में भी आता है, सिंगल पेटल में भी आता है, लेकिन ये इसकी ये वाली वैरायटी सबसे ज़्यादा खिलती है और सबसे ज़्यादा खुशबूदार होती है। ये मैंने इसकी एक कटिंग लगाई थी जो कि लग गई है। इसके साथ ही मैंने ये एक वेरीगेटेड मनी प्लांट की भी छोटी सी एक कटिंग लाकर लगाई थी, ये भी लग गई है। बारिश में कटिंग आसानी से लग जाती हैं। इसके अलावा पॉर्चुला का सदाबहार भी बहुत खिल रहा है। थैंक यू एंड बाय फ्रेंड्स।